मेरा नाम निकी कुमार, कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हम लोग का पहला क्लास था रिवॉल्विंग का, जिसमें हम लोग पावर एसी रिवॉल्व किए थे उस यूनिवर्सल प्लेट से। उसके बाद सेकेंड क्लास था सीपीयू, डबल डेकर सीपीयू हम लोग रिवॉल्व करके लगाए थे। थर्ड डे हम लोग का क्लास था आपका ऑन सेट से पावर एसी खोलना, सेट को डेट किए, फिर हम लोग रिवॉल्व करके उसको ऑन किए। फोर्थ क्लास था हम लोग का सीपीयू का था, ऑन सेट से सीपीयू निकालना था, रिवॉल्व करना था, सेट को ऑन करना था, हम लोग किए। थैंक यू एशिया टेलीकॉम इतना नॉलेज देने के लिए। आज मैं लाइट आईसी D8 यूनिवर्सल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं अपने हाथ से ही बनाया इसको। तो पहले डीसी टू डीसी 4 वोल्ट हम लोग यहाँ पे B3 का लाइन पाता है, बूस्ट कॉइल के माध्यम से स्विचिंग होता है। उसके बाद हम लोग पास CPU से 3 लाइन पावर आईसी लाइट आईसी में जाता है। एक तो A3 में EM सिग्नल, A2 में HDL सिग्नल और B2 में SCL सिग्नल, ये तीनों इन होती है लाइट आईसी में। उसके बाद हम लोग PWM के माध्यम से A1 का लाइन से PWM 1.8 वोल्ट हम लोग का डिस्प्ले कनेक्टर हो जाता है। उसके बाद हम लोग का LED K1 B1 का बोल लाइन से होते हुए डिस्प्ले कनेक्टर जाता है। फिर C1 LED K2 का लाइन है, वो भी हम लोग का डिस्प्ले कनेक्टर पर जाता है। उसके बाद हम लोग का जो बूस्ट कोइल है, यहाँ से 4 वोल्ट मिलने के बाद ये D3 में स्विचिंग करता है। स्विचिंग करके आप एक डायोड के मदद से वो आगे निकलता है, जिसको प्रोटेक्ट करता है D2 OBPIC। ये हमको D2 लाइन जो OBPIC इसको प्रोटेक्ट करता है। इसका कैपेसिटर 50 वोल्ट का लगा रहता है, जिससे LED A1 बाहर निकलती है 15 से 35 वोल्ट बन के, इससे मेरा डिस्प्ले ऑन हो जाता है। थैंक यू सीटर को इतना नॉलेज देने के लिए। नमस्कार, मैं महेश, महाराष्ट्र से। मेरा पहला दिन यहाँ का एशिया टेलीकॉम का पहला दिन आईसी रिबॉलिंग का था, दूसरा दिन सीपीयू रिबॉलिंग का था, और तीसरा दिन चालू मोबाइल की पावर आईसी निकाल कर रिबॉल करके लगाना था, जो सक्सेस हुआ। चौथा दिन चालू मोबाइल का सीपीयू निकाल के रिबॉल करके लगाना था, वो भी सक्सेस हुआ, वो भी यूनिवर्सल टेंसिल से। मैं धन्यवाद कहता हूँ एशिया टेलीकॉम को, स्पेशली देव सर को, जो जिन्होंने हमें इतना नॉलेज दिया। और ये है लाइट आईसी D8 यूनिवर्सल। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो पहले इस आईसी को रिक्वायरमेंट ऑन होने के लिए, जो डीसी टू डीसी से 4 वोल्ट VPH जो B3 में आता है, यहाँ लगी है एक बुश कॉइल जो 10 माइक्रो हैंडी की है। उसके बाद CPU से 3 लाइन आती है, जो इन होती EN की लाइन होती है 1.8 वोल्ट की, और दूसरी है SDA की जो 1.8 वोल्ट की होती है, तीसरी है SCL की जो 1.8 वोल्ट की होती है। ये लाइन ज़रूरी है। और यहाँ पे PWM की एक लाइन जो 1.8 वोल्ट की है, जो डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर में जाती है, इसे इस लाइन से डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। एक होती है LED K और LED K2, ये दो लाइन निकलती है जो डिस्प्ले कनेक्टर में जाती है। और यह है OCP एक लाइन, जो यहाँ पे एक डायोड लगा है, डायोड के बाद एक कैपेसिटर लगा है, जहाँ से 15 से 35 वोल्ट डिस्प्ले कनेक्टर में LED A से कनेक्ट होता है, और ये सर्किट फिर पूरा तैयार होता है। तो ये था, मैं धन्यवाद कहता हूँ एशिया टेलीकॉम को। और तो हमारे साथ 28 नवंबर की कौन कौन लाइव है? तो इतना जोश, इतना जुनून क्यों? सर कॉन्फिडेंस क्यों मतलब बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये भाई देखो, स्टैंडिंग ऑडिशन में खड़े हैं, मतलब स्टैंड अप कर दिया सर, हथियार डाल दिए इन्होंने, कुतरा में खड़े हैं, तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो आज देव सर की जो लाइट की क्लास थी, जो उन्होंने बोला था आपको 26 तारीख को कि मैं लाइट की क्लास में सबके लाइट जला दूंगा, लाइट जला एक एक का। यस सर। तो शुरुआत करूंगा मैं आपकी, जो
नवीन है हमारे सामने माइक लेके खड़े हैं, उनसे शुरुआत करूंगा। नवीन कैसी क्लास रही हमारी? बहुत बढ़िया सर। लाइट की देव सर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा लाइट का आपका? बहुत जबरदस्त सर, लाइट के सेक्शन इतने सारे होते हैं हमको तो पहले मालूम ही नहीं था जी। और कोई भी फोन आया तो उसको जैसे तैसे करके हीट मार करके क्वाइल डाइवोड ये सब जो है बदल करके अगर नहीं हुआ तो फिर वापस कर देते थे। ट्रेसिंग मालूम ही नहीं था किसे किसे तो होता अभी है। क्या तुम एक लाइट क्वाइल आईसी वाले और कैपेसिटर वाले नहीं सर? नहीं सर, वाले नहीं सर, नहीं, नहीं सर। अभी क्या लेवल है आपका? अब आईसी वाइज काम करना है, निकाल के पूरा पेड लाइन चेक करना है। चलो मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ कि आपके पास लाइट का मोबाइल ऑलवेज, लाइट और ग्राफिक्स का मोबाइल ऑलवेज आपके पास बदतर हालत में आता है? सब टेक्नीशियन पूरा का पूरा उसके क्या कर लेता है, खेल लेता है पूरा। और उसके बाद क्या बोलता है कि जा भाई तेरे नहीं बनेगा, तेरे को जा बनवाना होगा बनवा ले। तो वो आपके पास सेट आएंगे तो उस लायक आज हुए कि नहीं हुए? यस सर, एक चीज का लाइन का महत्व, काम और कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कितना जीआर आता है, कितना वोल्टेज आता है और कहाँ कितनी फ्रिक्वेंसी आती है। जी सर, ये मालूम हुआ? मालूम हुआ सर। मालूम हुआ जी सर, चीज का मालूम है? मालूम। अच्छा, डायग्राम किस किस ने चूज लिया आज? हमने सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइट आईसी मोस्ट पॉपुलर लाइट आईसी 6 लाख सर्किट और 12 लाख सर्किट ईएमआई पीएमएल और तो नॉर्मल है, 6 3P नॉर्मल है ना, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पर अगर 12 वाल का सर्किट आ गया तो कौन कौन बना सकता है? सब बना सकते हैं। एक एक पिन कमांड की कितनी पिन है उसके अंदर, कितनी पिन है, ग्राउंड कितने हैं, ग्राउंड कितने हैं और एलसीडी नेगेटिव की पिन कितनी है, ग्राफिक्स का है, पीडब्ल्यूएम की पिन पे कितने वोल्टेज आते हैं, कितना जीआर आते हैं, सब सर। तो बताइए मेरे को नवीन, ऐसी क्लास ऐसा एक्सपीरियंस लेने के बाद कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लगा सर। यही चीज लेने आए थे कि ये उम्मीद, इतनी भी उम्मीद नहीं की थी आप? जितना उम्मीद किया था उससे बहुत ज्यादा मिला, बेहतर मिल रहा जी सर। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है सर, बापी उड़ीसा से। बापी, तो आज की क्लास जी सर, देव सर के साथ क्या एक्सपीरियंस लाइट का? सर बहुत एक्सपीरियंस मिला, और क्या बताओ, कभी सोचा भी नहीं था इतना डीप लेवल से पढ़ाई जा सकता है। इधर आके मालूम पड़ा इतना डीप लेवल से पढ़ाई हो सकता है। अगर कहीं से अगर शॉप रिटर्न से अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है लाइट सेक्शंस के लिए जी सर, चाहे लाइट सेक्शंस हो या चाहे ग्राफिक्स हो जी सर, ग्राफिक्स से आता है तुम्हारे पास, तो कितनी देर लगेगी आपको बनाने में? ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट लगेंगे तो सारी वोल्टेज की श्रेणी है आपके पास जी सर, सारी है कि ग्राफिक्स पे कितने वोल्टेज चेक करना है, EN क्या चाहिए, EN मालूम नहीं था, SL, SCL, SDL कोई मालूम नहीं था जी सर, कमांड की लाइनें नहीं मालूम, नहीं सर, है ना, EN नहीं मालूम था, कहाँ आता है, कब आता है, नहीं सर, किसके द्वारा आता है, कौन सा उसके अंदर कंपोनेंट लगा होता है जी सर, ये जानकारी कैसी मिली आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत पेट टू पेट चेक कर सकते हो आप जी सर, पेट टू पेट। अब कस्टमर दूसरे दुकान से मोबाइल चाहे वो सब पार्ट्स निकाल के दे, वो भी बना सकते। बड़ी बात बोल रहे भाई, ये बड़ी बात बोल रहे, नहीं सर, मैं जैसे भी जो हालत में देने से भी मैं तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, आर यू सेटिस्फाई विद दिस क्लास? जी सेटिस्फाई सर। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, महाराष्ट्र से सचिन सर, महाराष्ट्र से आए मैं, महाराष्ट्र से। हाँ, क्या क्लास, कैसी क्लास और क्या? बहुत जबरदस्त क्लास थी सर आज, देव सर के साथ हमारी लाइट सेक्शन की क्लास थी। हाँ, बहुत जबरदस्त क्लास थी सर आज। अच्छा, तो कैसा नॉलेज मिला सर ने, क्या खाली आपको मॉडल वाइज बताया या सीपीयू वाइज बताया? नहीं सर, सर कभी भी बताए तो मॉडल वाइज कभी सिखाते नहीं, सीपीयू वाइज सिखाते सर, क्योंकि मॉडल तो बहुत आते ना सर, सीपीयू कम से कम में सब हो जाता है ना, कम से कम हाँ, सारा हो जाता है, सारा हो जाता है। तो कोई सी ऐसी आईसी छोड़ी है भाई? नहीं सर, इसके ऊपर कोई लाइट आईसी आती है? नहीं सर, कोई सी आईसी छोड़ी? नहीं सर, कोई आईसी नहीं छोड़ी, कोई सी भी 9 वॉल 12 वॉल सब सर, 6 लैग। अभी मुझे मालूम भी नहीं था कि इतने लैग रहते, इतने 12 वॉल की आईसी भी रहती, कभी देखा भी नहीं था उसको सर। अच्छा, तो अभी सर्किट 1 सर्किट 2 देख के पहचान सकते? हाँ सर, देख के ही पहचान सकता हूँ। सर्किट 1 सर्किट 2 एक्चुअल क्या है कि दुनिया का कोई भी लेसन नहीं है,
टेक्निकल लाइन की लेसन में नहीं है, ये सर के द्वारा बनाई गई कोडिंग है। हाँ सर, हाँ यस सर, सिर्फ और सिर्फ एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट ही समझ सकता है, यस सर, दूसरा नहीं सर। और उसके लिए उसको कितना भी नॉलेज वहाँ पे वीडियो में दे दे, उसके लिए कहाँ आना होगा, उसको एशिया टेलीकॉम आना पड़ेगा, टेलीकॉम आना पड़ेगा और जीरो से बैठ के सीखना पड़ेगा। और यहाँ आने के प्रोटोकॉल कितने हैं? तीन। एक क्या? फोकस, खाली गिलास, खाली गिलास। तीसरा जुनूश, जोश, यस सर। तो जोश है कि नहीं है? यस सर। ये देखो सर, रात के 11 बज रहे हैं और इनमें जोश है। यस सर, जोश है सर। तारीख बदलने वाली है? तारीख बदलने वाली आज। कितनी बार तारीख बदली है? बहुत बार तारीख बदली सर। तारीख बदल रही है? हाँ सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जम्मू कश्मीर से। जी सर। नाम आशिक, आशिक हुसैन भट्ट, आशिक भी नाम है उनका। और ये मोबाइल की लाइन में भी बहुत बढ़िया आशिक ही दिखा रहे हैं ये। और बताइए थोड़ा आपका नोट्स बताइए जरा खोल के। आप किस लेवल से मेहनत कर रहे हैं आप? जी सर। तो आज आपकी लाइट की क्लास थी देव सर के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर पहले तो हम कुछ भी जानते ही नहीं थे जी, इतने गहरे राज छुपे हुए लाइट आईसी में, ये तो पहले पता ही नहीं था। और यहाँ आके सब पता चल गया, तो देव सर ने वो नॉलेज दी है हमें, वो भी आई सी वो पैड लाइन तक हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ लाइन जा रही है। ठीक है, तो कोई सा भी सर्किट हो, लाइट कोई सा ऐसा सर्किट छोड़ा जो अपन ने नहीं पढ़ा? नो सर, सारे सर्किट पढ़े हैं। उसका प्रैक्टिकल नहीं किया? प्रैक्टिकल भी किया सर। सर ने वहाँ प्रैक्टिकल करके बताया आपको कि खाली थ्योरिकल? नो सर, प्रैक्टिकल की बात छोड़ो सर, पहले वो पढ़ाते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल पढ़ाते और प्रैक्टिकल पढ़ाते और प्रैक्टिकल। हाँ, जो भी पढ़ाया इसका प्रैक्टिकल ले भाई। हाँ, सामने प्रैक्टिकल, सामने प्रैक्टिकल। यस सर। और यहाँ कितने घंटे प्रैक्टिकल मिलता सर? 7 घंटे तकरीबन प्रैक्टिकल यहाँ मिलते हैं और बाकी देव सर के साथ। बाकी देव सर के साथ। यस सर। तो उसको थ्योरी क्लास नहीं बोलते, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों दोनों सर, दोनों वहाँ पे। यस सर, वहाँ पे ये लिखवा दू प्रैक्टिकल। यस सर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है वो थ्योरी क्लास नहीं है, वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है। और सर जो आप यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं ना? जी सर। जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, ये उनके हिसाब से ही करते हैं। यस सर। एक एक चीज उनके हिसाब से होती है, पूर्ण रूप से ट्यून्ड होते हैं वो आदमी को। तैयार कमांडर है ना वो, रिंग मास्टर है वो, सबको तैयार करके पहुंचाते हैं कि तेरे को आज ये परफॉर्मेंस करना है। अगर अगर कोई सुस्ता भी होगा उसको भी बूस्ट कर देता है। बराबर बराबर। तो ये बताइए मेरे को कि अभी अगर लाइट सेक्शन का कोई भी कंपोनेंट आता है? जी सर। कोई भी कंपोनेंट आता है, अगर कोई अगर कहीं से निकाल के कोई अगर तुम्हारे को पहुंचा दे तो तुम कर सकते हो? हाँ सर, अगर कोई उसे खाली भी कर सकता है उसको हम नए से बना सकते हैं, वापस रिफिल कर सकते हैं। जितने भी बूस्ट कॉइल रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो भी लगे हुए हैं वो हम दोबारा उसमें डाल सकते हैं। थोड़ा एक बार आपके नोट्स देखना चाहेंगे, आपने बता रहे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेहनत कर रहे हैं ये इतनी दूर से आके। एक तो अकेले 12-12 घंटे ही क्लास ले रहे हैं, और उसके लेने के बाद आप हॉस्टल में कितनी देर स्टडी करते हैं? सर 3 घंटे। आप सब लोग कितनी देर स्टडी करते हो? सर 3 घंटे। सर 3 बज जाते हैं, 2:30 रात को, 3-4 बज जाते हैं। और सवेरे से कब आ जाते हो तुम वापस? सुबह 9:30-10 बजे आ जाते। 10 बजे तक लगभग सारे स्टूडेंट, 10:30 बजे तक खाना खा के सब स्टूडेंट आ जाते। ये देखो, जैसे देख सकते हैं ये। अच्छा, ये डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनवाया कि आपने समझ के लिखा है? सर समझ के लिखा है, तभी तो बनाया। समझ के लिखा है? यस सर। ये आपकी आपकी राइटिंग में ना, ये आपकी राइटिंग में ना? यस सर। भैया इनकी राइटिंग में ही है ना? यस सर, उर्दू लैंग्वेज में है सर। उर्दू लैंग्वेज में? यस सर। थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, इधर आइए। यस सर, उर्दू मैंने लिखा है। ये देख सकते हैं, ये उर्दू लैंग्वेज में। अब सर एशिया टेलीकॉम में किसी को उर्दू तो आती नहीं है। जी सर, है ना? हाँ सर। किसी को उर्दू तो आती नहीं है? नो सर, है ना? जी सर। ये सारी चीजें कब होती है? जब यहाँ का जो कमांडर है। यस सर। वो कमांडर के हिसाब से आप जीना सीखते हैं। यस सर। कमांडर अगर मेहनत करने वाला है तो स्टूडेंट मेहनत करते हैं। हाँ सर। अगर कमांडर में दम नहीं है तो स्टूडेंट में भी दम नहीं है। कमांडर की आवाज नहीं निकलेगी तो स्टूडेंट में भी दम नहीं है। कहाँ से निकलेगी? कहीं से भी नहीं सर। कमांडर अगर सोने वाला हुआ तो स्टूडेंट जागेगा क्या? नो सर। नहीं सर, वो तुमसे ज्यादा सोएगा। नो सर। ठीक है। हाँ सर। तो ओवरऑल आज की क्लास की बात करूंगा तो कैसी लगी आपको? सर बहुत ही अच्छा, मजेदार सर क्लास। आज के लिए देव सर के लिए भी तालियां और सबके लिए तालियां।
चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा आप ट्रांसफर कीजिए, माइक को ट्रांसफर कीजिए। तो मेरे साथ स्टूडेंट है भाई, ये भी बहुत दूर से आए हैं, गुजरात से सर, बहुत सारी उमंगे तरंगे लेके आए हैं कि यार इनको क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा। तो मेरे भाई नाम बताइए अपना। राठौर महावीर, गुजरात। राठौर महावीर। तो राठौर महावीर, ये बताइए मेरे को कि आज का लाइट सेक्शन क्या लेवल से समझ में आया आपको? बहुत डीप लेवल से, जो आईसी के बारे में सर ने समझाया है, जो नॉलेज दिया है, वो कुछ उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मतलब उनका जो डिकोड करने का जो वो प्रोसेसर, एक समझाने का जो लेवल, वो बहुत है सर। तो हम क्या दुकानदारी की भाषा से समझ रहे हैं क्या, मोबाइल लाइन? ना ना सर, जैसे डायग्राम और कोडिंग से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यस सर। अगर वही लाइन अगर आपको, अगर देखो तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई PWM CAC, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, LED A है, कैथोड 1 कैथोड 2, तो मतलब सारी चीजें हम दुकानदारी वाली भाषा से पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे सर। सब दुकानदारी वाली लैंग्वेज तो नहीं है ना? ना सर, इंजीनियरिंग वाली लैंग्वेज है ना? यस सर, यस सर। कोडिंग वाली लैंग्वेज जो स्कीमेटिक से मैच करती है, ताकि हम स्कीमेटिक खोले तो हमको कोई चीज नहीं लगे। और ज्यादातर हम कोड वो स्कीमेटिक से नहीं पढ़ते सर, अपने वो जो रिसर्च करके लाते उससे ही पढ़ा दे, रिसर्च करके लाते हैं उसको, ताकि हमको उससे क्या आसानी होगी कि हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, सेल्फ डिपेंड होंगे हम, इंडिविजुअल होंगे हम, सीपीयू वाइज पढ़ेंगे हम, है ना। और हम कोई से भी आईसी को नहीं छोड़ेंगे, है ना। अगर लाइट और ग्राफिक्स के लिए कोई सी आईसी लगी तो हम छोड़ेंगे क्या उसको? नो सर, नहीं सर, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ओवरऑल महावीर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। क्लियर है सारी चीजें? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील है, पंजाब से हूँ। सुनील बताइए, आज लाइट जला कि नहीं जला? लाइट तो पूरा जला सर, पूरा जला लाइट। क्या सर? सर जितनी नॉलेज आज मिली ना, इतना तो हमें पहले भी नहीं पता था। काम तो 6-7 साल हो गए हमें काम करते, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको 5-6 साल नहीं हो, पता नहीं था लाइट के बारे में। कोई फ्रेशर तो नहीं हो ना सर, दुकानदारी से उठ के आए हो सर? क्यों, आप जबकि वहाँ पे फेल थे, फेल होने के बाद आप आए हो, आपकी दुकान 1 महीने के लिए बंद करके आओ, 10-15 दिन का कोर्स नहीं है। अगर अपन अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें एशिया टेलीकॉम को, पहली बात ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो ऑनर भी है और टीचर भी है, ऐसा है कोई इंस्टीट्यूट? सर क्या है यहाँ पे ऑनर भी है प्लस क्या है टीचर, और कौन से लेवल के टीचर? हाई लेवल के टीचर। दूसरी बात, किसी इंस्टीट्यूट में 6 टीचर मिलते हैं क्या? नहीं मिलते सर, अलग अलग टीचर। जो सिलेबस आपका है हमारा है, अब पहले हमारा था, अब किसका हो गया? हमारा, आपका हो गया, है ना। तो जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस में जान है कि नहीं है? yes, sir. मतलब आपको कौन से तरीके से कब कौन सी चीज डिलीट करना है? अगर ये कंपोनेंट की क्लास हटा के पहले लाइट की क्लास देता तो आपको कुछ समझ में आता क्या? सर नहीं आता। नहीं सर, आज जैसे लाइट की क्लास थी ना, एक क्या है वो इतना सा छोटा सा, उसको 12 घंटे लग गए सर समझे, और 12 घंटे दिमाग में ऐसे फिट हो गया, वो अभी निकलेगा नहीं। पहले हमारे पास जैसे फोन आते थे तो हमें बक कॉइल का नहीं पता था उसका काम क्या है, डायोड का नहीं पता था, रेजिस्टेंस लगी हम लोग उनको निकाल के फेंक देते थे, डिस्प्ले से ऐसे ही जहाँ पे ग्राउंड मिल गया वहाँ से उठा के जंपर देना, जल जाता था सर्किट सारा, ऐसे बहुत सारे फोन डेड हुए, नॉलेज ही नहीं थी सर हमें। बाकी के इंस्टीट्यूट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 2-4 इंस्टीट्यूट से बात की थी, वो 15 दिन 18 दिन 20 दिन ऐसे कोर्स बता रहे थे। उसी टॉपिक पे था जो तुम टॉपिक लेके आए। हाँ सर, हमारी स्टडी होती है 12-14 घंटे, होती कि नहीं होती? होती है। तो अगर दूसरा इंस्टीट्यूट वही क्लास को 12 बजे लेता है और 6 बजे क्या करता है, नमस्ते कर देता है, बंद कर देता है, क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो उस मान से हम अगर 14 घंटे पढ़ा रहे हैं तो कितना, 30 दिन पढ़ा रहे हैं और 14 घंटे पढ़ा रहे हैं, 3-4 महीने हो जाए। कितने महीने का कोर्स कर रहे हैं? 3-4 महीने का नहीं है सर, 1.5 महीने का कोर्स है सर, 1.5-2 महीने का अगर कंपैरिजन किया जाए ना, रीजन कहा जाए, 1.5-2 महीने का कोर्स है सर, है ना। और दूसरी बात क्या कि दूसरे के इंस्टीट्यूट का क्या होता है, 20 दिन का 18 दिन का, है ना, 15 दिन का कोर्स होता है, लेकिन तुम्हारी मर्जी हो तो टाइम टेबल है सर उनका, जैसे हमारी 16 घंटे की क्लास होगी उनका 8 घंटे का, 8 या 10 घंटे भी नहीं सर, 12 से 5 को रवाना, तो फिर यहाँ पे 16 घंटे हो गए, वो 60 दिन तो ऐसे बन गए। वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ सर, 3 गुना ज्यादा, 1 दिन में 3 गुना ज्यादा, नॉलेज बहुत ज्यादा दे सबको, जितना इसका तरीका भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा है, सामने है, और डिसिप्लिन के साथ, नॉलेज के साथ डिसिप्लिन मिला है आपको? बिल्कुल सर, कुछ सीखने को मिला है? बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी क्लास में प्रैक्टिकल होता है ये सर, देखा हमने।
थ्योरी में, वैसे थ्योरी में लिखा होता वहाँ पे पढ़ाई होगी, वहाँ पे आपको सिखाया नहीं जाएगा। नहीं, वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल उसको भी नहीं, वहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, है ऐसा। मैंने खुद सर से आज बात की थी, बोला सर ये थ्योरी की क्लास नहीं है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की क्लास है। हंसने लगे वो, क्योंकि देख इतनी मेहनत करते हैं वो। अब हम लोग तो चलो 12 बजे जाके सो जाएंगे, अभी देव सर जो हमें कल उन्होंने पढ़ाना के, वो उसका पूरी रिवीजन करेंगे, नया कुछ लेके आएंगे हमारे सामने। बराबर, हम लोग बिल्कुल R&D अभी भी अगर देखा जाए ना तो टेबल में बैठ के R&D ही कर रहे होंगे। पहले हमें जैसे CPU का, तो CPU का तो पता नहीं था हमें, उसके अंदर भी कोई लाइन है, उसके अंदर से लाइन जाती है या पावर आए से। ये तो वैसे होगी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होता है ना, सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसके बारे में उन्हीं को पता था जिन्होंने की थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें भी पता लग रहा है, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है पीछे जी। नमस्कार सर, गुजरात से मैं शंकर। नमस्ते शंकर, घर वाले भी देख रहे होंगे? हाँ, देख रहे हैं। घर वालों को खुशी हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, हो रहा है सर खुशी। घर वालों को खुशी, घर पे इन्फॉर्मेशन है कि हमको बहुत अच्छे जाम आए थे पढ़ने आए थे, हमारी फीस वसूल वाला है। अच्छा, किस किस की फीस वसूल है? सबके सर, सबकी फीस वसूल है। वसूल है सर, फी वसूल है सर। यहाँ आते ही 2 दिन में ही पता चल गया क्या कि क्या लेवल है यहाँ एशिया टेलीकॉम का पढ़ाना। जो ना समझ में आए वो भी बैठ के समझाते हैं। आज लाइट सेक्शन का था, लाइट सेक्शन में क्या क्या, कितनी कॉइल लगती है, कितनी IC आती है, अलग अलग सब बताया, डिटेल में बताया, पेड लाइन तक सिखाया सर ने, देव सर ने। और जो जान नहीं पाते थे आज तक 4-5-6 साल से ये फील्ड में है, नॉलेज नहीं था इतना, यहाँ एशिया टेलीकॉम में आके मिला। तो चलिए ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे? अभी 8-9 दिन का कोर्स हो चुका है शायद। मैं आने वाले स्टूडेंट के लिए वही बोलना चाहता हूँ, जो आप आना चाहते हो रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग इस फील्ड में आने वाले हो तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए। उनको दूरी यहाँ नॉलेज नहीं, नहीं गुजरात में तो गुजरात में ही जाना चाहिए, यहाँ महाराष्ट्र में जाना चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। दूरी तो क्या है सर, एक दो दिन का सर। नॉलेज तो आपको फिर किसी को ढूंढ के जाना नहीं पड़ेगा, आपका काम देख के आएंगे ढूंढते हुए शॉप पे। बराबर, इस लेवल से मैं भी यही सोच रहा था, दूर घर से भी मना किया था, फिर भी मैंने जाना, हाँ कहीं नहीं गया। हाँ बात है। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। मेरा नाम सोनू है सर, मैं बिहार से हूँ। अच्छा सुनो, बताइए आज लाइट की क्लास देव सर के साथ कैसी रही आपको? बहुत बढ़िया रही सर। अच्छा, तो प्रैक्टिकल कितने घंटे का मिला और प्रैक्टिकल में क्या क्या समझ में आया? सारी कोई सी भी IC आपको सारी IC लाइट की समझ में आई? जी सर बिल्कुल, डायोड क्या काम करता है, कैपेसिटर क्या काम करता है सर, लाइट IC का वो क्या काम होता है, कितने बोल के होते हैं वो सब, सर्किट 1 सर्किट 2 PMI PML पूरा 3P जी सर, D8 D9 D5 D6 सारे आज सर क्लियर करवा दिया लाइट का जी सर, पूरा एंडलेस तक। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। नमस्कार, मेरा नाम विक्की कुमार, कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। आज का हम लोग क्लास था लाइट सेक्शन का, देव सर कराए, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। और हम लोग फिर आके यहाँ पे प्रैक्टिकल किए, और मेरा एक बोर्ड था उसको निकाल के हम टेस्ट भी किए, टेस्ट करके सब देखिए कौन वोल्टेज कहाँ कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है, जिस हिसाब से पढ़ाए थे उनको समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। और बोलूँगा कि वेस्ट बंगाल से जो आना चाहते हैं आए, बहुत अच्छा जगह है और नॉलेज मिलेगा उनको पूरा। गारंटी कौन लेता है? गारंटी सर हम लेंगे। आप लोगे? हम सिक्के जाएंगे तो हम लेंगे ना जी सर, कि यहाँ पे जो बंदा आएगा तो सिक्के जाएगा, सिक्के ही जाएगा। एक नहीं 3 सिक्के। हेलो सर, स्टूडेंट है, मेरा नाम है सर ललित प्रजापत और मैं राजस्थान से हूँ। जैसे अभी बड़े भैया ने कहा कि घर वालों से सहमति जो लेनी पड़ती है सर, मेरे भी घर वालों ने नहीं माना था, लेकिन मैंने भी यही जिद की थी कि मैं जाना है तो एशिया टेलीकॉम में जाना है सर। मुझे सर ये घूमने का कोई शौक़ नहीं है सर कि मैं यहाँ घूमने आऊँगा सर, मुझे नॉलेज लेनी थी, क्योंकि सर मेरे पास कस्टमरों के इतने सेट गए हैं कि पूछो ही मत, क्योंकि हमारा काम ही कस्टमरों का, जो कस्टमरों की रिपेयरिंग है, छोटी मोटी रिपेयरिंग है, वो हमारा काम ही यही है सर। तो अब ऐसी नॉलेज जो हमें आज देव सर से मिली है कि अब ऐसा कोई सेट है नहीं कि जो हम ना कर सकते सर, ऐसा कोई सेट रहा नहीं सर। कोई सा भी सर्किट आ जाए लाइट में सर, लाइट में ग्राफिक में सर, कोई सा भी सेट आ जाए ना, कोई सा नहीं जाएगा सर। और आगे भी जैसे अभी कल भी हमारी क्लास होगी, 1 महीने तक लगातार हमारी क्लास है, उसमें हमें पूरी नॉलेज मिलने वाली है, तो ऐसा कोई सा सेट नहीं होगा कि हमारे से नहीं होगा रिपेयर सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।
मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम रोहित, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से रोहित, पहले तो क्लास नहीं लाइट की आपको? बड़ी अच्छी लगी सर। अच्छी लगी क्लास? सर पहले तो आईसी के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, अब आईसी बारे में पूरी जानकारी मिल चुका है। अच्छा, तो रोहित ये रिव्यू तुम क्या डर के चमक के दे रहे हो कि खुश होकर दे रहे हो? खुश होकर देखा। खुश होकर दे रहे हो? यस सर। तो जरा पांव फैला के देखो ना ऐसा। तो कैसा लग रहा भाई आज? आज आपने पूरा प्रैक्टिकल किया यहां पर? यस सर। प्रैक्टिकल किया? यस सर। कौन कौन सा सर्किट समझा आपने? सर्किट 2 EMI PML 63P D8 D9 सब है, सारे डिफाइंड किया आपने? एक एक तीनों की जानकारी है? यस सर। CPU में कौन सी आएगी? यस सर। यस सर। डिस्प्ले कनेक्टर में कौन सी आएगी? डिस्प्ले के अंदर कौन सी आएगी? कब डिस्प्ले से वापस आएगी? सब कुछ पता है। CPU से जाएगी, कमांड लाइन क्या होता है, कितना वोल्टेज आता है, कितना GR आता है। अच्छा, DSO पे मालूम पड़ा आपको? यस सर। DSO पे आपने पैकेट्स देखे उसके अंदर? यस सर। स्विचिंग के पैकेट्स देखे आपने? यस सर। सर ये DSO भी यूज कर रहे हैं? यस सर। DSO नहीं कर रहे, मल्टीमीटर, DSO, सब कुछ, वोल्टेज क्या, GR क्या, फ्रीक्वेंसी क्या, है ना, सारी चीजें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मैं वाल्मीकि, ओडिशा से हूँ। हाँ वाल्मीकि सर, आज का क्लास लाइट सेक्शन का क्लास था, बहुत अच्छा था, और जो नॉलेज आज देव सर ने मॉर्निंग में दिया बहुत बेहतरीन था। इतना कहूँगा कि मेरा एक सपना था कि एशिया टेलीकॉम में आऊँ, और वो सपना आज पूरा हुआ। आज ज़्यादा कुछ तो आप देख रहे हैं, पूरे पूरे सब स्टूडेंट हैं और सब सबका एक एनर्जी लेवल है। यस सर, देख रहे हैं 11 बजे के बाद भी, फिर भी वो अभी भी उनका जोश में है कि अभी भी बैठ सकते हैं। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि मेरा जो आने का मकसद था वो पूरा हुआ, इसलिए बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। कोर्स पूरा नहीं हुआ है उसके बाद, मतलब जो आपको चीज़ें मिली है? यस सर। वो क्या लेवल से मिली है? आप तो इस लाइन के थे ही नहीं ना? नहीं सर, इस लाइन में कभी आपने आयरन SMD का काम ही नहीं किया था? नहीं सर। आज CPU पे भी काम कर रहे हो आप? यस सर। आप सारे लेवल कर रहे हो, ट्रेको को अच्छा समझ रहे हो, इस तरीके से आपने डायग्राम बनाया, नोट्स बनाए आपने, ये सर सारी चीजें समझ में बनाई है, नहीं समझ में आता आप 5 बार पूछते हैं? ये सर, जितना बार भी पूछो मिलता है कि नहीं? बिल्कुल सर, 10 बार भी पूछो तो भी आंसर मिलता है। कोई कभी ऐसा कि कोई टीचर नाकू बनाता हो बोलने में या समझाने में? नो सर, जितना भी टीचर्स है सब एक बार नहीं, 10 बार पूछो भी तो उसका सही आंसर मिलता है, सही जवाब मिलते है और सही रास्ता मिलते है। प्रैक्टिकल के दौरान, हेलो, प्रैक्टिकल के दौरान कितने टीचर होते हैं आमने सामने आपके? यस सर, प्रैक्टिकल के दौरान होते हैं? यस सर, सारे टीचर्स मौजूद रहते हैं और हर चीज का एक सही जानकारी मिलता है। पहले तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में, सब इतना से सुनता था GR क्या होता है, ऑयल क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है, ये सब मैं कानों में सुना हूँ, लेकिन एशिया टेलीकॉम आने के बाद कि उसका मीनिंग क्या है पता चला। तो ओवरऑल मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सबको। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम विनोद, मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, नेपाल वाले इधर आ जाओ, सब आ जाओ, तीनों आ जाओ जी। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनील है सर। आपका नाम? मेरा नाम संदीप है सर। आपका नाम? संदीप सर। आपका नाम विनोद? यस सर। आपका नाम? संदीप सर। संदीप, और आपका नाम? सुनील। सुनील, संदीप, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में सर। तो बताइए मेरे को, आज थोड़ा नज़दीक आ जाइए तीनों। हाँ, तो ये बताइए आप तीनों कि आज आपकी लाइट की क्लास थी देव सर के साथ, कैसी रही आपकी क्लास? बहुत अच्छी रही सर। ये नेपाल वाले बहुत देख रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं मेरे को नेपाल वाले। तो क्या बोलना चाहोगे नेपाल वालों को? आ सकता हूँ, बेझिझक होके वो बोल रहे हैं कि भैया अगर ये नेपाल वाले 3 स्टूडेंट हमारी गारंटी ले ले तो हम आ जाएंगे। गारंटी ले लेंगे सर। कौन लेगा गारंटी? हम ले लेंगे सर। आप लोग? यस सर, हम लेंगे सर, हम सब लेंगे सर। बेझिझक होके आओ, सब लोगों की गारंटी। यस सर, यहाँ से सीखे बिगड़ जाएगा क्या वो? नहीं सर। अगर कितना भी वीक हो, कितना भी प्रेशर हो, आज तक काम नहीं किया, सीखे बिगड़ जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं जाएगा सर, जाके डबल डेकर बैठाएगा, डबल डेकर लगाएगा। बात केवल क्या IC निकालने और लगाने की नहीं यार, एक छोटी से छोटी टेक्निक मिलेगी उसको, और समझने में भी अच्छे से मिलेगी, इजी ट्रिक मिलेगा सब। निंजा टेक्निक भी सर। एक अच्छी बात यहाँ पे मेरे को ये लगा कि यहाँ पे हर दिन अलग अलग टॉपिक पे ऊपर होता है सर। बराबर, अलग अलग टॉपिक ना, ऐसे नहीं है कि एक टॉपिक पिछले कल का हुआ तो वही आज होगा। नहीं तो कल का टॉपिक कल ही खत्म कर देते हैं ना अपन। हाँ जी सर, ये तारीख कैसे बदल रहे हैं सर? ऐसा क्यों बदल रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ऐसा है, आज का टॉपिक आज खत्म होगा, है ना? यस सर। आज हमने अगर
अगर हमने आलू की सब्जी खाई है तो भाई आज आलू की सब्जी कल दूसरी सब्जी चाहिए। हेलो है ना, और उसको निपटा सुलझा के फिर आके बैठते हैं अपन यहाँ। यस सर, है ना। यस सर, चलिए ठीक है, आप तीनों इधर आइए, आप आइए दोनों। आप तो थोड़ा दोनों अपने अपने नाम बता दो। जी सर, मैं सनी शर्मा। जी सर, मेरा नाम महेश है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महेश, आप महाराष्ट्र से? आप कहाँ से? जी सर, मैं यूपी से, सनी शर्मा। नाम है तुम्हारा सनी, आप यूपी से हो, बेसिकली नेपाल नेपाल और यूपी से हो आप, है ना? जी सर। अच्छा, तो भाई एशिया टेलीकॉम में आज लाइट सेक्शन लियो सर के साथ कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, ऐसी नॉलेज हमें कहीं और नहीं मिली। आइए इधर, रोटेट होते जाइए। जी, ऐसी नॉलेज हमें और कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकती सर, जिस तरह से आपकी नॉलेज मिली सर आज। तो आप लोगों का थोड़ा म्यूट करके म्यूट कर सब चालू कर, है ना। तो ऐसा नॉलेज जिसकी खोज थी आपको, वो खोज यहाँ खत्म हुई आपकी? जी सर, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मिल रही मुझे। ये इतनी चीजें सोच के नहीं आया था। जी सर, कि इतना ग्राउंड लेवल से, इतना बेसिक लेवल पे, इतना जीरो लेवल पे। अच्छा, वो स्टूडेंट ने डरना चाहिए एशिया टेलीकॉम में आने से जिनको कुछ भी नहीं आता? नो सर, वो बिना डरे ही आ सकते हैं। बिना डरे आ सकते हैं, बिंदास होकर आ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बेफिक्र। रियल में टेक्नीशियन बनना है उसको, तो उसको आना ही पड़ेगा। तो गारंटी वाला कोर्स है हमारा। जी सर, बिल्कुल सर, पूरा गारंटी वाला कोर्स बोल सकते हैं। यस यस, नहीं समझ में आया तो चौथे दिन पैसा रिटर्न। तो टिकट लगेगा कि आज से आने वाले 5 साल में भी कभी कोई स्टूडेंट पैसा रिटर्न लेके जाएगा? नो सर, कभी नहीं। नहीं सर, कभी नहीं लेके जाएगा सर। डेडिकेटेड टीम के साथ पढ़ेगा वो, एक नहीं 6 टीचर से पढ़ेगा। 3 टीचर ऑलवेज तुम्हारे बैकअप में रहेंगे। यस सर, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे बैकअप रहेंगे। तुमको पहले से ज्यादा अब जरूरत होगी बैकअप की, क्योंकि तुम प्रो लेवल का काम पकड़ोगे। कौन से लेवल का? प्रो लेवल का। तुम्हारी दुकान होगी प्रो लेवल की। तुम्हारी दुकान टच डिस्प्ले और चार्जिंग कनेक्टर और स्पीकर माइक वाली नहीं होगी। आप सीपीयू पे काम करोगे, यूएफएस पे काम करोगे, एमएमसी पे काम करोगे, एमएमसीपी पे काम करोगे, आप डबल डेकर पे काम करोगे। प्रो लेवल की दुकान होगी आपकी। दुकान अलग होगी, आपकी बात करने की क्षमता अलग होगी। जी सर, आपका समझाने का तरीका, कस्टमर को हैंडल करने का तरीका आपका अलग होगा। सभी सर, सभी अलग होगा। आप ऐसे बन जाओगे कि आप 4 को पढ़ा सकते हो। यस सर, चलिए ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो हमारे साथ और दो स्टूडेंट है। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिंटू है, वेस्ट बंगाल से हूँ सर। मिंटू वेस्ट बंगाल से, आप कहाँ से? मेरा नाम गणपति फ्रॉम उड़ीसा से। गणपति उड़ीसा से। मनीष बर्नवाल फ्रॉम बिहार। मनीष बिहार से। तो शुरुआत करूंगा मैं मिंटू से। हाँ सर, आज लाइट का सेक्शन था, 9 बॉल आईसी का किया सर, 12 बॉल आईसी का किया। मतलब कितने सर जीआर होते हैं, कितने आईसी में, कौन से यूनिवर्सल आईसी होता है सर, किसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बारे में सर जाना। इसके बारे में आपको सारी जानकारी। हाँ हाँ सर, अगर लाइट सेक्शन पीएमएल और 63P का अगर सर्किट आता है। हाँ सर, एकदम सही। मतलब कोई सा भी आईसी तुम्हारे सामने रख दो, लाइट का सेक्शन पढ़ने की क्षमता ही नहीं तुम्हारे। एकदम है सर, कोई सर उसका डायग्राम हम लोग डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग उसको अच्छे तरीके से सब पढ़ चुके हैं, और कोई भी मोबाइल आए, कोई भी मतलब हम लोग आसानी से बना सकते हैं सर। भाई थोड़ा लेके बोलिए, आप बना सकते हैं? यस सर, कैसा भी सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, सब यूनिवर्सल तरीका मालूम पड़ा आपको सर्किट? यस सर, यस सर। तो ऐसे आने वाले जो भी सेक्शंस होंगे, जैसे तुम्हारा चार्जिंग है, लाइट है, ग्राफिक्स है, जितना भी सेक्शंस है, सबके पास आपके पास एक यूनिवर्सल मेथड होगी। यस सर, यस सर। यस सर, वो सर्किट जो बन के खत्म हो चुके हैं उसको भी पढ़ने की शक्ति होगी आप में, जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, और आने वाले सर्किट को भी आप समझ सकते हैं। यस सर, है ना जी। आप अच्छा ये बताइए मेरे को कि किसी ने लाइट का जो डायोड होता है, लाइट के सर्किट की पहचान कैसे करते हैं सीरीज का डायोड को देखकर? तो किसी ने चेक करा क्या आज वो? यस सर, किसी को आवश्यकता पड़ी क्या कि नहीं सर, पहचाना ना आप? सर, यस सर। आई से पहचाना ना? यस सर। और कितने मॉडलों पे पहचाना आपने? बहुत से मॉडलों पर हमने पहचाना। कितने मॉडल थे आपने प्रैक्टिकल, कितने मॉडलों पे? अनगिनत था सर, उसकी गिनती नहीं थी सर, अनगिनत थे। मॉडल की कोई गिनती नहीं थी, 5-10, वो अनगिनत था सर। अनगिनत था? यस सर। कोई सा फॉर्मेट छोड़ा क्या अपन ने? नहीं सर, सब में अपने जो तरीका था, बेसिक जो तरीका था, यूनिवर्सल तरीका बताया था लाइट को पढ़ने का, तो वो आपका मामला हिट करा कि नहीं करा? एकदम परफेक्ट, परफेक्ट सर, हिट किया। परफेक्ट होल टीम। यस सर, यू सैटिस्फाइड? यस सर। चलिए जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कहाँ से हो भाई? छत्तीसगढ़ से। इमरान ओडिशा से। इमरान ओडिशा से। उमाकांत ओडिशा से। उमाकांत ओडिशा से। शुरुआत करूंगा उमाकांत से। जी सर, उमाकांत
उमाकांत ये बताइए मेरे को कि जो सोच के आए थे हाँ। तो वाला नॉलेज मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर, लाइट का बत्ती जला नहीं जला मेरे को मालूम नहीं, ले मेरा बत्ती जल गया सर, पूरा परफेक्ट हो गया हूँ मैं, पूरा परफेक्ट हो गया। छोड़ के जा रहे हो क्या, मिसिंग कर रहे हो क्या? कुछ भी नहीं मिसिंग हुआ सर। आपके पास एक यूनिवर्सल मेथड है कि नहीं एक लाइट को चेक करने का? जैसा सेट आया मैं सर्किट सर मेरे को दे दो, मेरे पास यूनिवर्सल मेथड है जो देव सर ने मेरे दिमाग में हाँ, डाल दिए। वो जीआर से हो है ना? हाँ, वो जीआर से हो, वोल्टेज से हो या फ्रीक्वेंसी से हो? फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्सल तरीका है कि नहीं आपके पास? यस सर, यूनिवर्सल तरीका मेथड हमारे पास है सर, हमारे को कोई भी सर्किट दे। सर मैं एक बात बोलता हूँ, दो मिनट में मैं ट्रेस कर दूंगा क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, पूरा दो मिनट में ट्रेस कर दूंगा। कॉन्फिडेंस क्यों एक दिन के क्लास मेरे को इतना ही नॉलेज मिल गया सर, दो मिनट में ही मैं ट्रेस कर दूंगा। ऐसे पढ़ाते कि जब मोबाइल खुलने का टाइम लगेगा लेकिन ट्रेस करने का टाइम नहीं लगेगा सर, ट्रेस करने में उतना समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मोबाइल खुलने में मेरे को टाइम लग जाएगा। हाँ सर, ये लेने के लिए यही वाला मिल गया? मिल गया सर। मिल गया आपको? मिल गया सर। क्या बोलेंगे सर के लिए? एक नंबर सर, एक नंबर है सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट तो बताइए इमरान जी सर, आप जीरो लेवल पे थे जी सर, आज जीरो लेवल पे हो क्या? नहीं सर। लाइट के मामले में आप जीरो लेवल पे हो क्या? नहीं। ग्राफिक्स के मामले में आप जीरो लेवल पे हो क्या? नहीं। अगर बैटरी की बात करूँ, आईडी थर्मल की लाइन के बारे में आप जीरो लेवल पे हो क्या? पहले था अभी, बट सब जान गया। जो जो क्लास हो चुकी है अभी नहीं। क्या आप एक सीपीयू निकाल के लगा सकते हो? आराम से। क्या एक पावर निकाल के लगा सकते हो? एकदम सर। आप यूनिवर्सल एक्सटेंशन से डबल डेकर सीपीयू रिवाल्व कर सकते हो? एकदम एकदम। परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट तरीके से। वो कला है कि नहीं आप? एकदम सर, पूरा ट्रिक पता है। अभी तक जो सेक्शंस हुए वो सेक्शंस पे मेरे को लाइव है, पूरी जनता देख रही है। यस सर, ये लाइव है, पूरी जनता देख रही है। आपको गुंजाइश नहीं है? बिना फीस के बैठे हो क्या? नहीं सर, फीस देके बैठे हो ना? एकदम सर। जो हकीकत है वो बोलो आप। नहीं, यहाँ पे सर मुझे सोचा नहीं था इतना, मैंने परफेक्ट इतना हम लोग लग कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी लग रहा है सर सारा चीज हम लोग को नॉलेज मिल रहा है। वोल्टेज का आइडिया एकदम सर, जीआर का आइडिया जी सर, बजर का आइडिया जी सर, ट्रेसिंग करने का आइडिया जी सर, कंपोनेंट का आइडिया, डीएसओ का आइडिया जी सर। हेलो यस सर, डीएसओ का आइडिया यस सर, सर सब है मेरे पास यस, डीएसओ का आइडिया भी है एकदम सर। देखो तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना जी, हेलो यस सर, तुम्हारे जैसे पढ़ने तो हमारे में जो जोश रहता है 100 गुना रहता है, तो वो कितना हो जाता है? 200 गुना हो जाता है जी सर। तो वो तुम हमको क्या देते हो? फीडबैक देते हो? फीडबैक सर। देखो फीडबैक आज जरूरी है, जब पावर कब वोल्टेज देगी जब उसको क्या मिलेगा? फीडबैक है ना, फीडबैक मिलता है इसलिए हमारी आवाज निकलती है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज बताइए। तीन और आ जाइए इधर सर। आज आज आपकी लाइट की क्लास बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा था, मतलब पहले तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अच्छा। लाइट सिर्फ डायोड और वो बूस्ट कॉइल, उससे ऊपर कुछ जाता ही नहीं था। अब तो बहुत कुछ मिल गया नॉलेज, बहुत प्रकार की लाइट की आईसी आती है सारी। तो सर ने आपको नॉलेज दिया जो सारी आईसी छोड़ी? हाँ, ऐसा कोई ऐसी नहीं जो कोई बोर्ड भी नहीं जिसमें पहचान लेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब डाउट रहेगा ही नहीं, पूरा नॉलेज है। अच्छा, लाइट सेक्शन को पहचानने के लिए मल्टी मीटर की आवश्यकता है क्या आपको? ऐसे देखने में पता चल जाएगा, देखने में पता चल जाएगा। ये सेंस कहाँ से आया? देखने से पता चल जाएगा? बस देख ये कौन पता करता है यार यहाँ ऐसा टेलीकॉम आओ तो सब पता चल जाता है सर, खाली देखने से मालूम पड़ जाता है। कंपोनेंट देख के पहचान लेते हैं जी सर, कौन सा क्या काम कर रहा है जी। और मल्टीमीटर रखने से पहले आपको रीडिंग मालूम होती है सही की? हेलो यस सर, अगर लाइट कॉइल के ऊपर अगर मल्टीमीटर रख रहे हो, हेलो यस सर, तो मल्टीमीटर की लाइट मल्टी जो क्वाइल होती है, क्वाइल के कितने सिरे होते हैं? दो। तो कहाँ वोल्टेज मिलेगा, कहाँ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ये किस किस को मालूम है? सबको सर, सबको मालूम है यस सर। कि मेरे को सर एक सिरे पे तो क्या मिलेगी? एक सिरे पे मिलेगा मेरे को वोल्टेज, दूसरे सिरे पे क्या मिलेगा मेरे को? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ये चीजें मालूम है आपको? यस सर, ये तो बहुत बारीक चीजें हैं यार सर। 10-10 साल 8-8 साल का जब एक्सपीरियंस होता है, शायद मेरे आई थिंक मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं बोलूं तो 10 साल के काम करने एक्सपीरियंस वाले को भी इतना नॉलेज नहीं होता। नहीं, वो नॉलेज सर आप लेके बैठे हो, यू आर इन फ्रेशर इन दिस फील्ड, उसके बाद लेके बैठे हो आप। यस सर, क्या बोलेंगे आप? सर जो भी बोलूं बहुत कम है, मतलब नॉलेज तो इतना सारा है कि क्या बताऊं। लड्डू भैया ने यहाँ पे आपको पहुंचाया तो इंस्टीट्यूट का चुनाव गलत करा कि सही करा? सही क्या, वो पहले बहुत पहले से भेजने वाले थे लेकिन टाइम नहीं मिलता था उनको। अच्छा, तो टाइम निकाल के दिए, समय दिए। एक बार भैया के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर भैया तो बहुत दिल में है। चलो एक बार इनके भैया के लिए क्लैपिंग कर दो सर। जो भी हूँ मतलब भैया है तो यहाँ हूँ, नहीं तो फिर कुछ नहीं।
मतलब वो अपने जो बड़े भाई का जो फर्ज है सारा अदा कर रहे हैं वो। जी चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, दो जने और आ जाओ साथ में आ जाओ। कौन बचे? जी मैं प्यारुल वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। प्यारुल, प्यारुल वेस्ट बंगाल से। प्यारुल क्या क्लास, क्या लेवल, क्या डायग्राम और क्या प्रैक्टिकल सर, क्या यूनिवर्सल मेथड? इसके पहले जो काम आता था मैं मेरे पास तो होता ही नहीं था, दूसरी दुकान पर जाता तो होगा नहीं होगा तो छोड़ देता था। अभी हम कर लेंगे सर। अभी आप कर लोगे सर? वो तरीका, वो सलीका आपके पास आया कि अगर कोई सारे कंपोनेंट निकालते तो आप मॉडिफाई करके? हाँ मैं कर लूँगा। कर लेंगे आप? एक एक चीज का आइडिया, एक एक चीज का आइडिया, एक एक लाइन का आइडिया, क्या किया क्या फ्रीक्वेंसी पूरा आइडिया। यस सर, यस सर। मेरे साथ दो स्टूडेंट और हैं, दोनों आ जाइए आस पास पास में आ जाइए। तो नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम शमशाद आलम। हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा रिव्यू लूंगा आपसे। तो आज लाइट की क्लास देवसर के साथ क्या लेवल से समझ में आई सर? बहुत हाई है। इनके लिए एक बार क्लैपिंग भाई, इनकी तबीयत खराब होने के बावजूद इन्होंने छुट्टी नहीं ली, छुट्टी नहीं ली। तो लाइट सेक्शन पूरा दिमाग में बन गया कि नहीं? बन गया सर, थोड़ा सा हाई लेवल का क्लास था, बहुत मस्त लगा। मस्त लगा हर पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है सर। लाइट सेक्शन में बोलूं कि क्लियर था ना? क्लियर है सर, पूरा क्लियर। कोई सा भी आईसी हो, कोई सा हो, सर्किट 2 हो, पीएमआई हो, पीएमएल हो, 63 हो, D8 हो, D9 हो, D5 हो, D6 हो, सब कोई कुछ भी हो सर, हो जाएगा कुछ भी। एक यूनिवर्सल मेथड है कि नहीं आपको पता है? सर यूनिवर्सल है। नहीं चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, एनीवन और कौन बचा कोई? चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। तो आशीष आज क्लास लाइट की देव सर के साथ बहुत बढ़िया थी, एक नंबर क्लास रही सर आज। तो इस क्लास को क्या मिस कर रहे थे आप? अब ये बताइए, आप तो दुकान से उठ के आए हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस भी आपको काम करने का, तो कितने सेट रिटर्न करे होंगे मेरे भाई तुमने लाइट के? तो बहुत सारे जैसे सेट अपने जैसे भी रिटर्न करे, लेकिन हमको पता ही नहीं था ये कंपोनेंट यहाँ से ऐसा है वैसा है, ये लाइट जैसे पूरी ट्रेस करना। अभी डायग्नोज करने में, समझने में और करने में कोई ज्यादा समय लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बस 10-15 मिनट। मैं आपके सामने 20 मोबाइल रख दूं अभी यहाँ पर? कितने रख दूं मैं आपके सामने? 20। चलो पूरी क्लास में मैं टास्क दूं अगर तुमको कि 200 मोबाइल रख दूं यहाँ पर। यस सर। कितने मोबाइल? 200 मोबाइल। 100 मोबाइल रख दूं, सारी आईसी रख दूं और सारे कंपोनेंट रख दूं यहाँ पर। हेलो। यस सर। और आपको बिठा दूं एक डीएसओ के साथ, बना सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बना सकते, क्यों नहीं बना सकते सर? कोई रिटर्न होने का कुछ नो सर, नहीं उठता सर, नो सर। तो आपके लिए क्लैपिंग, थैंक यू वेरी मच।